Hey, what's up guys? Welcome to Tamashakar Art. So yesterday it was Biodiversity Day and I posted a painting on sunflowers. Later I thought why not to dedicate this week to biodiversity. I mean, biodiversity means the existence of different species of flora and fauna. So why not to dedicate this week to nature? So today I thought of painting a hummingbird with honeysuckles. तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, पेंटिंग की स्टार्टिंग करने से पहले मैंने एक रफ स्केच कर ली थी. बहुत ही हल्के से आपको वो स्केच करना है. मैंने मैकेनिकल पेंसिल की यूज़ की थी और उसके बाद आई एम अप्लाइंग येलो क्रोम टू दिस हनीसकल्स. ये तीनों फ्लावर्स को अगर क्लोज से देखें तो आपको दिखेगा कि मैं दो पार्ट में कलर कर रही हूँ. एक तो जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ पे हम लोगों को लाइट रखना है, तो आई एम जस्ट अप्लाइंग येलो क्रोम लाइट करके वहाँ पे. और जहाँ पे शेडो एरिया है आई एम मिक्सिंग स्कारलेट रेड विद दैट क्रोम एंड अप्लाइंग टू दोज शेडो एरियाज, बिकॉज पेंटिंग इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग कॉन्ट्रास्ट. अगर आपको कॉन्ट्रास्ट समझ में आ जाएगा तो आपको पेंटिंग करने में बहुत आसानी होगी. ये लाइट और शेड का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझना है. तो चलिए अभी हमिंग बर्ड की कलरिंग पे आते हैं. बर्ड की जो कलरिंग स्कीम है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मैंने किया है, क्योंकि गूगल पे जो जो मैंने हमिंग बर्ड का कलर स्कीम मैंने देखा है दे आर मोस्टली स्कारलेट रेड के ऊपर है, या फिर ब्लू एंड ग्रीन विंग्स. दे आर वेरी कलरफुल. एंड कुछ कुछ हमिंग बर्ड्स का कलर ऐसे भी देखा है बहुत ही कलरलेस या डल. तो मैं यहाँ पे विंग्स पे अल्टरमेरिन ब्लू के यूज़ कर रही हूँ और नेक एरिया पे मैं क्रिम्सन लेक की यूज़ करूँगी. हेड के ऊपर थोड़ा सा ब्राउनिश टोन रखेंगे और विंग्स का जो एंड पोर्शन है जहाँ से विंग्स स्टार्ट हो रही है उस एरिया में थोड़ा सा ग्रीनिश टोन रखेंगे. आपको ध्यान में यह रखना है कि विंग्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को थोड़ा सा डार्क रखना है और हर एक विंग्स को ड्रॉ जब करना है तो समझ में ये रखना है कि विंग्स आर मेड ऑफ फेदर्स. तो फेदर का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है, तो हर एक विंग्स का जो एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ पे शेडो आएगी. तो आपको वैसे ही शेडो एंड लाइट का इफेक्ट यहाँ पे भी डालना है. बर्ड के बॉडी के एंड के हिस्से मतलब टेल के हिस्से में मैं अभी क्रिम्सन लेक की एप्लीकेशन कर रही हूँ. यहाँ पे बाद में थोड़ा सा ब्लैक से भी मैं काम करूँगी और बेली एरिया, बर्ड का जो बेली एरिया होगा वहाँ पे हम लोग लाइट रखेंगे और थोड़ा सा शेडिंग पे हम लोग ध्यान देंगे, ब्लेंडिंग पे हम लोग ध्यान देंगे. ये बर्ड के बीक्स, आईज एंड छोटे छोटे फेदर डिटेल्स को हम लोग ड्रॉ आउट कर लेंगे. डायरेक्ट ब्लैक की एप्लीकेशन नहीं करेंगे. ब्लैक और बर्न्स है ना, और थोड़ा सा येलो क्रोम को मिक्स करके एक हल्का सा मडी कलर होगा, तो उस कलर से हम लोग ये फेदर का डिटेलिंग्स करेंगे बहुत ही हल्के फाइन ब्रश से. एकदम जीरो साइज ब्रश से आपको ये फेदर का डिटेलिंग्स करना है. और बर्ड का जो आई है वह आई के ऊपर एक छोटा सा वाइट डॉट छोड़ना है फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आप थोड़ा सा वाइट की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं ऑन द फेदर्स, जस्ट उसी फाइन ब्रश से एकदम हल्के हल्के से जस्ट थोड़ा दो चार लाइनिंग्स आप लोग खींच सकते हैं. तो चलिए अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड पे भी कलरिंग कर लेते हैं, वरना ये जस्ट फ्लावर्स एंड बर्ड्स थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है. तो पहले तो मैं बस हल्के से ये प्रूशन ब्लू का एक वॉश कर लेती हूँ पीछे में, उसके बाद हम लोग लीव्स पे काम करेंगे. तो लीव्स की ड्राइंग भी मैंने पहले कर ली थी. अभी कलरिंग के लिए पहले हल्के से सैग्रीन का यूज़ करेंगे, उसके बाद जो एंड टिप एंड नोडल एरियाज है लीव की वहाँ पे डीप ग्रीन और थोड़ा सा आइवरी ब्लैक मिला के एक डार्क शेड भी रखेंगे. ईच एंड एवरी लीव की कलरिंग वैसे ही होगी. और नीचे की तरफ जो थोड़ा सा लार्ज साइज्ड लीव्स है वहाँ पे आपको थोड़ा सा लीफ का फोल्डिंग्स भी दिखाना है. तो जनरली लीफ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो लाइट कलर्ड होता है,
तो आपको उस एरियाज को लाइट रखना है, और ऊपरी हिस्सा जहाँ पे वेन्स दिखते हैं उस एरियाज में आपको डार्क रखना है, और ऐसे ही करके आपको सारे लीव्स को पेंट कर लेना है। अभी बर्ड की थोड़ी सी और डिटेलिंग्स कर लेते हैं, क्लॉज को पेंट कर लेते हैं, और आपको दिखेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये विंग्स के नीचे, बेली के ऊपर जहाँ पे मैजेंटा कलर डाला है मैंने, और ऊपर में जो ग्रीन एरिया है विंग्स पे, वहाँ पे हर जगह पे आपको छोटे छोटे फेदर की डिटेलिंग्स दिख रही है। जो स्मॉल फेदर्स होते हैं बॉडी पे, बॉडी फेदर्स, तो वो छोटे साइज के होते हैं, तो आपको बहुत ही फाइन ब्रश की हेल्प से उस डिटेलिंग्स को आपको दिखाना है। ये बीक का नीचे का हिस्सा जो है, वहाँ पे भी आपको छोटे छोटे फेदर्स को दिखाना है, और अराउंड द आई उस एरिया में भी आपको थोड़ा सा डार्क रखना है। फ्लावर्स पे भी आपको ऐसे डिटेलिंग्स करना है। जो पोलिन ग्रेन्स के स्ट्रैंड्स है, वहाँ पे आपको फाइन ब्रश की हेल्प से उस स्ट्रैंड्स को ड्रॉ आउट कर लेना है। ईच फ्लावर का जो एंड टिप है लाइनिंग से, थोड़ा सा वो बर्न्ट सियाना की लाइनिंग आपको थोड़ा थोड़ा दिखाना है। बहुत डार्क मत कीजिए, ये लाइनिंग बहुत ही हल्की होगी, और ऐसे करके ईच एंड एवरी फ्लावर को थोड़ा सा शेडिंग कर लेना है। अब इसके बाद भी आई वॉज़न्ट श्योर दैट बैकग्राउंड में क्या करेंगे, पेंटिंग सरफेस बहुत ही खाली खाली लग रहा था, तो मैंने एक लार्ज साइज ब्रश लिया, थोड़ा से लीफ पैटर्न्स डालना स्टार्ट कर दिया, बट देन ऑल्सो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पैटर्न। सो इसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद ब्लेंडिंग कलर्स एंड वट एवर आई फेल्ट लाइक। जहाँ पे लीव्स का स्ट्रक्चर है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क रखे, और फ्लावर की तरफ थोड़ा सा येलो पोर्शन रखे। मैंने दिस थिंग यू प्लान अकॉर्डिंगली, मतलब अकॉर्डिंग टू योर विश यू कैन डू एनी थिंग इन द बैकग्राउंड। सो द पेंटिंग इज ऑलमोस्ट डन। आई होप आप सबको ये पेंटिंग पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि कैसी लगी आपको ये पेंटिंग, एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, क्योंकि दिस वीक इज गोइंग टू बी नेचर्स वीक, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग वन वीडियो ईच डे। सो गाइज, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।